अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं शफीक अंजुम, आपका फिजिक्स टीचर फ्रॉम अंजुम एकेडमी। चैप्टर नंबर 2 से हमारा आज का टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट। तो बच्चों, इस टॉपिक की इम्पॉर्टेंस के बारे में मैं बस एक बात कहूँगा कि आप लोग अपनी फिजिक्स F.Sc जो बेसिक फिजिक्स है इसको नहीं समझ सकते, किसी तरीके से भी नहीं समझ सकते, अगर आप लोगों को वैक्टर प्रोडक्ट की समझ नहीं है। तो मैं इसकी समझ की बात कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि फ्यूचर में जाके कुछ टॉपिक्स पे कहते हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रही, सर फलां टॉपिक जो है ना वो बिल्कुल दिमाग में नहीं पकड़ रहा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। कुछ तो ये तक कह देते हैं सर फिजिक्स बहुत मुश्किल है, हमें नहीं समझ आ रही। तो बच्चों, वो स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ पर वैक्टर प्रोडक्ट को याद करके सिर्फ आगे जाते हैं, समझ के आगे नहीं जाते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन से। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स इज अ वैक्टर क्वान्टिटी, then this product is called vector product or cross product. It is represented by a sign of cross between two vectors. जब दो vectors के दरमियान cross का sign हो तो समझ लें कि equal के दूसरी तरफ जो चीज आएगी वो कोई vector quantity होगी, और vector की magnitude के साथ साथ direction भी होती है। Consider two vectors A and B and let theta is angle between them. Then their cross product A cross B is defined as AB sin theta n cap. अभी यही वो रिलेशन है जिसको समझे बगैर स्टूडेंट आगे जाएं तो बहुत परेशान होते हैं। तो हम लोग इसको बिल्कुल रिलैक्स होके समझेंगे, मैथ समझ के। यहाँ पर हम लोग वन बाई वन करके बात करें तो ए क्या है, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। जाहिर है ये वेक्टर ए है, इसकी कुछ मैग्नीट्यूड होगी। सपोज कर लेते हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड 4 है। बी क्या है, ये बी, इस वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड सपोज कर लेते हैं कि वो मैग्नीट्यूड 3 है। इसकी लेंथ भी मैंने 4 सेंटीमीटर बनाई है और इसकी लेंथ मैंने 3 सेंटीमीटर बनाई है, और वेक्टर की लेंथ ही उसकी मैग्नीट्यूड होती है। थीटा क्या है, इन दो वेक्टर्स में एंगल, सपोज कर लेते हैं कि ये एंगल 60 डिग्री है। अभी एन कैप क्या है, कैप जिसके ऊपर हो वो यूनिट वैक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 और जो डायरेक्शन बताता है। अब ये किसकी डायरेक्शन बता रहा है, इसको हम लोग आगे जाके देखते हैं कि ये क्या है। तो अभी हम लोगों को फिलहाल ये समझ आई है कि ए बी और थीटा क्या है। अभी लास्ट लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। वहां पर कॉस था, यहां पर साइन है, एक तो ये प्रॉब्लम, ये डिफरेंस। उसके अलावा वहां पर कोई एन कैप टाइप नहीं था, क्योंकि हमने पढ़ा था दो वैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो स्केलर आता है, और स्केलर की सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती। यहां हमने कहा दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर आता है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। अगर हम लोग इस वेक्टर को वेक्टर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, सी इज इक्वल टू सी सी कैप, तो यहां पर सी वेक्टर, सी इसकी मैग्नीट्यूड या वैल्यू और सी कैप इसकी डायरेक्शन। तो अगर हम लोग इस सी को ये सारा वेक्टर कंसिडर कर लें कि ये वेक्टर सी है, और इस C की मैग्नीट्यूड यहां पर क्या है, इस C की मैग्नीट्यूड को हम लिख सकते हैं A B साइन थीटा, और इस C कैप की जगह हम लोग यहां A B साइन थीटा, तो C की मैग्नीट्यूड, और N कैप की जगह हम लोग यहां पर ये C कैप की जगह पे लिख लेंगे ये N कैप। तो अभी हम लोगों ने इस रिलेशन को समझना है, इस रिलेशन का मैथमेटिकली मतलब क्या है पहले सबसे ये समझेंगे, फिर इसके बाद इसकी एक एग्जाम्पल से देखेंगे इसको, इसका मतलब क्या है। लास्ट पे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। और यहां पर मैं फिर बताता चलूं कि हम लोग फिजिक्स नहीं मैथ पढ़ रहे हैं, और मैथ पढ़ रहे हैं तो मतलब नंबर्स को डील कर रहे हैं। यहां पर क्योंकि हम लोगों ने बोला है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू सी है, ये वैक्टर सी, तो यहां सी वैक्टर को आपने इस तरह से लिख लिया है, सी वैक्टर की सिर्फ मैग्नीच्यूड को हम लोग मॉडुलस से लिखते हैं, तो यहां हम लिख सकते हैं सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड या ए क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि ये इक्वल एक ही बात है, तो सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड या ए क्रॉस बी, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, सिर्फ ये ए बी साइन थीटा। तो अभी हम लोग इस रिलेशन को समझेंगे, ए बी साइन थीटा का मतलब क्या है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ये एन कैप क्या है। वेक्टर प्रोडक्ट की फिजिकल इंटरप्रिटेशन को समझने के लिए मैंने यहां पर यही दो वेक्टर्स एज इट इज बना लिए हैं। ये बनाते वक्त ख्याल रखना है कि मैंने इन वेक्टर्स को रीड्रा किया है, जितनी लेंथ यहां पर है उतनी वहां पे, जितनी लेंथ यहां पे है उतनी लेंथ, और थीटा भी वही। अभी हम लोग ये जो वेक्टर ए क्रॉस बी, ये वेक्टर है ये ए क्रॉस बी,
इस वेक्टर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, मतलब सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या थी। अभी हमने जिक्र किया था कि सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड या ए क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा, वो मैंने यहां लिख लिया। मॉडुलस से लिखते हैं ए क्रॉस बी मॉडुलस मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। इस ए बी साइन थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए और बी साइन थीटा को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। अभी ये बी साइन थीटा क्या है, तो उसके लिए हम लोग इस फिगर में ज्योमेट्रिकली अगर देखें तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, हमें पता है साइन थीटा किसी भी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यहां से परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनियस इनटू साइन थीटा। तो अगर हम लोग इस वेक्टर बी के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करें यहां, तो जब हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो वेक्टर बी के वेक्टर ए के साथ दो कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं। एक वेक्टर बी का वो कंपोनेंट जो ए के अलोंग होगा, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था बी कॉस थीटा था, लेकिन यहां हमें बी कॉस थीटा से कोई लेना देना नहीं, हमारे इस रिलेशन में साइन है, तो हम लोग देखेंगे यहां साइन थीटा मतलब जिसमें इन्वॉल्व हो वो कंपोनेंट कौन सा है। तो यहां अगर हम लोग बात करें तो ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बराबर होगा यहां से हाइपोटेनियस इनटू साइन थीटा। इस ट्राइंगल में ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड होगी, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, बी साइन थीटा। अभी बी साइन थीटा मैथमेटिकली क्या है, ये वेक्टर बी का वो कंपोनेंट है जो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। कॉस थीटा वाला वो कंपोनेंट था जो वेक्टर ए के अलोंग था, साइन थीटा वाला वेक्टर बी का वो कंपोनेंट है जो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। लिहाजा हम लोग बी साइन थीटा की जगह पे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ, तो ये किसका कंपोनेंट है, बी का, कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर, ये बी साइन थीटा ए पर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर टू ए। क्योंकि हम लोग इस रिलेशन को मैथमेटिकली समझना चाह रहे हैं, तो मैथमेटिकली हम लोगों के ए बी और थीटा की कुछ वैल्यू सपोज करनी पड़नी थी, और वो यहां पर मैंने सपोज की हैं कि वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड 4 है, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड 3 है, और ये एंगल 60 डिग्री है। अगर हम लोग इस रिलेशन को इन सपोज्ड वैल्यूज के साथ देखें कि वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड जो 4 सपोज की है, बी की मैग्नीट्यूड 3 सपोज की है, और ये एंगल 60 डिग्री सपोज किया है, ये वैल्यूज अगर यहां पुट करें, तो यहां ए की जगह 4 लगाया, बी 3 साइन ऑफ 60 डिग्री, 3 साइन 60 डिग्री 2.6 आंसर आएगा। 2.6 क्या है, बी साइन थीटा। वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड कितनी है, 3, लेकिन उस वेक्टर बी का वो कंपोनेंट जो ए के परपेंडिकुलर है वो कितना है, 2.6। तो इसका मतलब है कि हमें जस्ट ये कंपोनेंट चाहिए था इसका, तो ये आपके पास 2.6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 10.4। ये 10.4 क्या है, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। मतलब ये है यहां वेक्टर, तीन वेक्टर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड क्या थी, 4, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड क्या है, 3। अभी ये वेक्टर सी जो है, जो ए क्रॉस बी करने से आना है सी, उस सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी, 10.4। जिस तरह से हम लोगों ने ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा लिखा था, इसी तरह से अगर हम लोग बी क्रॉस ए लिखें तो वो बनेगा बी ए साइन थीटा। यहां पर बी लिखा और ए साइन थीटा ब्रैकेट में लिख दिया। अभी ए साइन थीटा क्या है, इसके लिए मैंने यही फिगर दोबारा बना ली है। अभी ए साइन थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी वेक्टर ए को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। इससे पहली फिगर में हम लोगों ने बी साइन थीटा था तो वेक्टर बी को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था, यहां पर ए साइन थीटा है तो वेक्टर ए को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। ये याद रखिएगा, जब आप किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हो तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक इसका कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलोंग होगा और एक इसका कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो वेक्टर ए को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो वेक्टर बी को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के वक्त किया था, वेक्टर बी के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा किया था, अब ए को रिजॉल्व करना है तो वेक्टर ए के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वेक्टर बी के ऊपर। ए के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा किया बी पर, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई जिसमें 90 और थीटा ये साइड बेस है,
एंगल के सामने परपेंडिकुलर और अब ये हाइपोटनियस है। अभी हम लोगों को कौन सा कंपोनेंट चाहिए जिसमें साइन हो, क्योंकि यहां पर साइन है। साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटनियस। परपेंडिकुलर यहां पर कौन सा है? ये वाला। तो यहां पर ये चीज हमें चाहिए, ये इसको हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर हाइपोटनियस। यहां पर क्या है? वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड ए साथ साइन थीटा। अभी ए साइन थीटा क्या है? वेक्टर ए का वो कंपोनेंट जो वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है। तो यहां हम लोग लिखेंगे साइन थीटा की जगह मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी। मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ए साइन थीटा वेक्टर ए का वो कंपोनेंट है जो वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर है। अभी यही सपोज्ड वैल्यूज यहां पर भी हैं। अगर हम लोग इस रिलेशन में पुट करें तो बी 3, ए 4 साइन ऑफ 60 डिग्री। यहां हम लोग अगर देखें तो ए साइन थीटा 4 मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 करेंगे तो 3.5 आएगा। आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 3.5 अब क्या है? वेक्टर ए का वो कंपोनेंट जो वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3.5 इस वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 4 है, इस वेक्टर का वो असर है जो वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है। मतलब इसकी अपनी मैग्नीट्यूड क्या है? 4। लेकिन इसका वो कंपोनेंट जो वेक्टर बी के परपेंडिकुलर क्या है? वो 3.5। इस 3.5 को अगर हम लोग बी की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.4 आंसर आया। अभी लास्ट पे हमने ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड में भी देखा था कि आंसर यही था, और इसमें भी हमने ये देखा है कि आंसर वही है। इसका मतलब ये है कि चाहे आप वेक्टर बी को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें और बी साइन थीटा जो बी का कंपोनेंट ए पे परपेंडिकुलर है वो कंसिडर करें, जो कि हमने देखा था लास्ट पे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, तो ये बी साइन थीटा का आंसर ब्रैकेट में आया था 2.6, लेकिन बाहर ए से मल्टीप्लाई होकर 10.4 ही आया था। यहां पर हमने क्या किया है? वेक्टर ए के कंपोनेंट्स बनाए हैं, तो इसको इसका वो कंपोनेंट कंसीडर किया है वेक्टर ए का जो बी पे परपेंडिकुलर है। इस ए साइन थीटा का आंसर क्या आया है? 3.5। ये 2.6 जो के लास्ट पे आया था ये इससे मुख्तलिफ है। ये 2.6 आया था, ये 3.5 आया है। रिजल्ट्स मुख्तलिफ हैं लेकिन मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आंसर वही है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप वेक्टर बी को कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, चाहे आप वेक्टर ए को कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, जब आप मल्टीप्लाई करके फारिग हो गए तो आपका दोनों केसेस में रिजल्ट सेम आएगा। वो कहते हैं कि कान को इधर से पकड़ लें या कान को ऐसे घुमा के पकड़ लें, पकड़ना अपने कान ही है, रिजल्ट दोनों केसेस में सेम आएंगे। अभी आप लोगों से मेरा एक और क्वेश्चन है कि यहां पर हमने ये लिखा है आंसर 10.4 और वैल्यू सपोज की थी 4, 3 और ये 60 डिग्री। आप ये बताएं अगर ये वैल्यूज मुख्तलिफ सपोज करते, मतलब मैं वेक्टर बी को 10 सपोज कर लेता, वेक्टर ए को 10 सपोज कर लेता, ये थीटा कुछ और सपोज कर लेता, तो ये आंसर फिर कुछ और आना था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर सी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया है, जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा है या बी ए साइन थीटा है, वो जो मैग्नीट्यूड आएगी उसकी डिपेंडेंस किस चीज पे है? उसकी डिपेंडेंस तीन चीजों पे है। नंबर वन कि आप वेक्टर ए जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये वाला वेक्टर ए, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? अगर ये 4 है, 5 है, 7 है, 10 है, तो ये मैग्नीट्यूड इस रिजल्ट को अफेक्ट करेगी। इसी तरह से वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड कितनी है, ये भी इस रिजल्ट को अफेक्ट करेगी। इसी तरह से ये एंगल कितना है, थीटा 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, ये एंगल चेंज करने से भी ये रिजल्ट्स मुख्तलिफ आएंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो वेक्टर आएगा सी, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड से, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड से और थीटा के चेंज होने से चेंज होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड थी ए बी साइन थीटा, जिसको हम लोग समझ चुके हैं, जो हम लोगों ने देखा है लास्ट के 10.4 आती है।
अब एन कैप को समझने के लिए आप लोग ये भूल जाओ कि हमने मैग्नीट्यूड की भी बात की थी, अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर दो। अभी हम लोगों ने जस्ट एन कैप की बात करनी है, इसी को समझना है। एन कैप के बारे में बुक पे लिखा हुआ है इज ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, मतलब ये जो वेक्टर ए और बी दोनों जिस प्लेन में है, एन कैप उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। वेक्टर ए और बी, ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड 4, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड 3, इनके दरमियान एंगल थीटा, तो ये अभी इस प्लेन में है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे रखें तो इसकी फिगर ये है। अभी वेक्टर ए और बी का प्लेन ये वाला है जिसके ऊपर ये दोनों पड़े हुए हैं, तो अभी इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन बनती है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन ये बनती है और एक डायरेक्शन ये भी बनती है। तो इसका मतलब है इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो फिर दो पॉसिबिलिटीज हैं कि इधर भी हो सकता है एन कैप और इधर भी हो सकता है। तो एन कैप की डायरेक्शन अब इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, इसको डिसाइड करने के लिए एक रूल है जिसको बोलते हैं राइट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, सबसे पहले आप लोग दोनों वैक्टर्स की टेल्स जोड़ लें, जो कि यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों वैक्टर्स की टेल्स एक जगह पे हैं। इस तरह से वैक्टर्स का प्लेन डिफाइन हो गया कि वैक्टर किस प्लेन में है। अभी अगर हम लोग इन दो वेक्टर्स ए और बी को देखें, तो अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर दो पॉसिबिलिटीज आपको बताई थी, एक ये और एक ये। तो राइट हैंड रूल क्या है? दोनों वेक्टर्स की टेल जोड़ें। अब इसमें से और इसमें से एक डिसाइड करना है। अभी हम लोग किसकी डायरेक्शन फाइंड करना जा रहे हैं? ए क्रॉस बी की, मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, या आप ये कह सकते हैं कि हम लोग सी की डायरेक्शन फाइंड करने जा रहे हैं। तो दोनों वेक्टर्स की टेल्स एक पॉइंट पे, उसके बाद आप लोग वेक्टर ए, जो यहां पर पहला वेक्टर है ये वाला वेक्टर ए, इस वेक्टर को रोटेट करेंगे सेकंड वेक्टर की तरफ, बी की तरफ। अगर हम लोग वेक्टर ए को बी की तरफ रोटेट करें तो वो रोटेशन ऐसे भी हो सकती है और वो रोटेशन ऐसे भी हो सकती है, लेकिन इन दो पॉसिबिलिटीज में आप लोगों ने स्मॉलर एंगल को फॉलो करना है। तो यहां पर अगर हम ए को बी की तरफ रोटेट करें तो ये स्मॉलर एंगल है, तो इसका मतलब है आप इधर से इधर रोटेट करेंगे, ये इस एंगल को फॉलो नहीं करेंगे। उसके बाद फिर आप लोग क्या करें, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखें ये, और इनको उधर कर्ल करें जिधर आपने इसको रोटेट करना था, जैसे ए को बी की तरफ रोटेट करना था ऐसे। तो जब आप इधर कर्ल करोगे तो जिस तरफ आपका अंगूठा आएगा उस तरफ एन कैप होगा। यहां हम लोग अगर ऐसे करते, ये वो हमें नहीं कहा गया, हमें वेक्टर ए और बी, पहला वेक्टर ए इस तरफ उंगलियां रखी, दूसरा वेक्टर बी इस तरफ कर्ल की और स्मॉलर एंगल के थ्रू कर्ल की, अंगूठा सीधा रखा, तो ये थंब जो है ये इंडिकेट करेगा एन कैप को। अभी एन कैप क्या था? वेक्टर सी की डायरेक्शन। अब वेक्टर सी की मैग्नीट्यूड को याद करें, वो क्या थी? 10.4। एन कैप क्या है? वेक्टर सी की डायरेक्शन। वेक्टर सी किस तरफ है? ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देखें तो ए क्रॉस बी किस तरफ बन रहा था? अपवर्ड। सी वेक्टर किस तरफ होगा? ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। कैसे डिसाइड करेंगे परपेंडिकुलर? राइट हैंड रूल से। ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए क्रॉस बी किया इधर आएगा, इसका मतलब है इसके परपेंडिकुलर ये वेक्टर बन रहा है ये। वेक्टर सी विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी बाय राइट हैंड रूल। अभी मैं ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड थी ए बी साइन थीटा, जो हमने इससे पहले पढ़ी थी 10.4 आई थी, अगर ये 4, ये 3 और ये 60 डिग्री हो तो इसकी वैल्यू 10.4 आई थी, और एन कैप इस सी की डायरेक्शन है जो कि इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर सी है। इस वेक्टर सी की मैग्नीट्यूड कितनी थी? 10.4। तो मैग्नीट्यूड वेक्टर की कैसे पता चलती है? उसकी लेंथ से। इसकी लेंथ क्या थी? 4। इसकी लेंथ क्या थी? 3। ये एंगल कितना था? 60 डिग्री। इन दोनों को क्रॉस करने से जो तीसरा वेक्टर आना था सी वेक्टर, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है? ए बी साइन थीटा 10.4 आई थी, और उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर बाय राइट हैंड रूल। अभी मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि अगर हम लोग इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को कम करें, जैसे ये 4 थी, इसको आप लोग 3 कर दो, तो क्या उससे ए बी साइन थीटा पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, ए की वैल्यू कम होने से ए बी साइन थीटा का आंसर 10.4 से कम आएगा, इसका मतलब है इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी। अगर हम लोग इसको बढ़ाएंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ेगी।
इसी तरह से अगर हम लोग b की वैल्यू को कम करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड कम होगी, ये b वेक्टर की वैल्यू 3 थी, अगर ये 3 थी तो 10.4 आया था, अगर मैं इसको 3 से ज्यादा कर दूंगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, अगर मैं इसको 3 से कम कर दूंगा तो ये कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर c की मैग्नीट्यूड a और b दोनों की मैग्नीट्यूड्स के बदलने से बदलेगी, और इसके अलावा वेक्टर c की डायरेक्शन a और b दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर ही रहेगी। दूसरी अहम बात, यहां पर साइन थीटा मौजूद है, थीटा ये एंगल जो कि हमने सपोज किया हुआ था कि 60 डिग्री है। अब मुझे ये बताएं कि साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन थीटा का आंसर थीटा पे डिपेंड करता है। अगर ये एंगल 0 डिग्री होता, 0 डिग्री कब होता, अगर ये ए बी इधर ही होता, ये अगर ये दोनों ए और बी एक तरफ ही होते तो ये एंगल 0 होना था, साइन 0 का जवाब क्या होना था, 0। तो इसका मतलब है ए क्रॉस बी आंसर यहां 0 आना था, 0 मल्टीप्लाइड बाय एन कैप, उसको हम लिखेंगे नल वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो। अगर ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये एंगल, तो 45 डिग्री होने से साइन 45.7 आएगा, 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 4 × 3, इसका आंसर जो आएगा वही डिसाइड करेगा कि इस वेक्टर सी की मैग्नीट्यूड क्या होनी है। अगर हम लोग ये एंगल और बढ़ाएं, ये एंगल लेट्स 60 डिग्री कर दें, उससे आया था 0.86, उससे आई थी ये वाली वैल्यू 10.4, ये वाली 10.4, और अगर ये एंगल 90 डिग्री कर दें, ये वाला एंगल, ये थीटा 90, मतलब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हों, तो उस वक्त साइन 90 क्या होगा, 1, तो यहां पर क्या बचेगा, 4 × 3, 12, तो इसका मतलब है इस सी की मैग्नीट्यूड 12 हो जाएगी। तो इस सी की मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करती है, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड कितनी है, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड कितनी है, और ये एंगल कितना है, इन तीनों चीजों को बदलने से इस सी की मैग्नीट्यूड चेंज होगी, लेकिन ए क्रॉस बी डायरेक्शन इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर ही रहेगी बाय राइट हैंड रूल। बी क्रॉस ए, अभी मैंने ऑर्डर बदल दिया है, बी पहले लिखा है, यहां पर था ए क्रॉस बी, अब है बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किधर होगी, यही दो वैक्टर्स हैं, वैक्टर ए, वैक्टर बी, ए क्रॉस बी किधर था, राइट हैंड रूल से इधर, क्योंकि स्मॉलर एंगल ये था, बी क्रॉस ए किधर होगा, तो अभी हम लोग राइट हैंड रूल के मुताबिक बी को ए की तरफ रोटेट करेंगे, फर्स्ट वेक्टर बी है, इसको ए की तरफ रोटेट करेंगे, स्मॉलर एंगल, ऐसे भी घुमा सकते थे, ऐसे भी घुमा सकते हैं, लेकिन स्मॉलर एंगल को फॉलो करें तो ये रोटेशन बनती है। अब हम लोग राइट हैंड इसकी तरफ, ये फिंगर्स इसकी तरफ रखेंगे बी की तरफ, और उंगलियां कर्ल करेंगे दूसरे की तरफ, तो अब हमारा अंगूठा किस तरफ है, इनटू, अगर ऐसे देखें तो नीचे की तरफ, और अगर इस तरह से देखें तो इनटू द प्लेन। तो अब आपके पास इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी बनेगी, बी क्रॉस ए, ये बी क्रॉस ए, ये वेक्टर, अब ये है, ये ए क्रॉस बी था, बी क्रॉस ए नीचे को है, ये तो राइट हैंड रूल के मुताबिक बी क्रॉस ए करेंगे तो नीचे की तरफ आपके पास वेक्टर आएगा, इसको हम लोग लिखा है बी क्रॉस ए, इसको लिखा था ए क्रॉस बी, इसको आप लिखेंगे माइनस सी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन से रिवर्स है, यहां आप लोगों ने लिखा था एन कैप अपवर्ड था, ये माइनस एन कैप होगा, डाउनवर्ड है। मेरा आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ए क्रॉस बी इक्वल है बी क्रॉस ए के, यहां पर आप देख सकते हैं कि जब वेक्टर ए क्रॉस बी करेंगे तो ये वेक्टर आपके पास आया था, ये ए क्रॉस बी राइट हैंड रूल से ये, और बी क्रॉस ए करेंगे तो ये वेक्टर आपके पास आया, ये इन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स सेम होंगी, फॉर एग्जांपल ए 4 था, बी 3 था, थीटा 60 था, तो ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा से भी 10.4 आया था, बी ए साइन थीटा से भी 10.4 ही आया था, मैग्नीट्यूड्स इन दोनों की सेम है, ये सी ये माइनस सी, ये ए क्रॉस बी ये बी क्रॉस ए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये दो वैक्टर्स इक्वल हैं, नहीं, इक्वल वेक्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में, इक्वल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपके सामने है, इनकी मैग्नीट्यूड्स सेम हैं लेकिन इनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं, लिहाजा हम लोग कहेंगे ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान ये एंगल 180 डिग्री है, ये दोनों एक दूसरे का
वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, दोनों वेक्टर्स मैग्नीट्यूड्स में इक्वल हैं, डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, लिहाजा हम लोग कहेंगे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है। लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी अगर इस वेक्टर जिसको आपने बी क्रॉस ए कहा हुआ है इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं, तो किसी वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, वो भी ऊपर हो जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल होगा माइनस साइन लगा के फिर बी क्रॉस ए। अभी अगर हम लोग इस सारे टॉपिक को समराइज करें तो हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और वेक्टर आए, तो इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ये जो वेक्टर आया था, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये जो वेक्टर है ये वेक्टर सी, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ ए डिसाइड करेगा, बी डिसाइड करेगा और इनके दरमियान एंगल डिसाइड करेगा। इस वेक्टर की डायरेक्शन ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होनी है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन वो परपेंडिकुलर इधर होना है या इधर, उसका फैसला करेगा आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, पहले वेक्टर कौन सा है। अगर ए क्रॉस बी करोगे तो अपवर्ड, बी क्रॉस ए करोगे तो डाउनवर्ड। अब मेरा आप लोगों से लास्ट क्वेश्चन है कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर हैं, सपोज ये एंगल 90 डिग्री है, तो ए क्रॉस बी जो वेक्टर होगा ये वाला, इसकी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आएगी, मतलब ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का होगा, क्योंकि साइन 91 तो बाकी आपके पास 4 × 3 = 12 इसकी मैग्नीट्यूड, और इसकी डायरेक्शन ए क्रॉस बी की राइट हैंड रूल से ऐसे निकालने की। अभी क्वेश्चन ये है कि ये वेक्टर सी वेक्टर, ये वेक्टर कब तक इस तरफ रहेगा अगर हम लोग ये एंगल बदलें। तो मसलन अगर मैं ये एंगल काम कर देता हूँ, लेट ये एंगल आप इसको ये काम कर दें, तो अभी भी ए क्रॉस बी इधर ही है, अब इसकी मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी क्योंकि ये एंगल कम हो गया। अगर हम लोग ये एंगल और कम करते जाएं ये, तो ये मैग्नीट्यूड कम होती जाएगी। अगर ये एंगल जीरो कर दें तो ये नल वैक्टर, मतलब नथिंग। अगर ये वाला वैक्टर इस तरफ कर दें, इस तरफ ये यहां पर, तो अब आप बताएं क्या अभी ये ए क्रॉस बी इधर ही होगा, जब क्या वेक्टर बी ये है, ए ये है, और राइट हैंड रूल के मुताबिक आपने क्या करना होता है, ए क्रॉस बी करना होता है। तो ए क्रॉस बी करना, अगर ए क्रॉस बी से इसको करें ऐसे, ये इस तरह से आप इसको सोचें, ये ए क्रॉस बी करें, तो अब आपके पास ए क्रॉस बी तो इधर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री ये 180 डिग्री एंगल है, 180 डिग्री ए और बी में एंगल 180 डिग्री, साइन 180 भी जीरो होता है, नल वेक्टर आएगा। अब अगर हम लोग ये यहां से ये एंगल चेंज करते जाएं, तो जब तक ये एंगल यहां से लेके यहां तक जीरो तक, 180 से जीरो तक आएगा, ये वेक्टर इस तरफ ही रहेगा, 180 पे नल वेक्टर, जीरो पे भी नल वेक्टर। अब बाकी जब एंगल चेंज हो रहा है तो ये वेक्टर डायरेक्शन में इधर ही रहेगा, लेकिन जब ये एंगल यहां से क्रॉस करेगा ये यहां पर, ये मतलब अब ए इधर हो गया बी, अब राइट हैंड रूल के मुताबिक ए क्रॉस बी करेंगे तो वो डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी। इन चीजों को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट पे थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ को मैथ के तरीके से देख रहे हैं, जब हम लोग इसकी फिजिक्स पढ़ेंगे तब हम लोगों को सही तरीके से समझ आएगी कि इसका मतलब क्या है। इस सारी डिस्कशन को एक छोटी सी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा, उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में सारा कुछ आप लोगों को नजर आएगा जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। इस वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि जब वेक्टर ए की लेंथ चेंज होती है तो सी वेक्टर की लेंथ भी बढ़ती है, मतलब ए की मैग्नीट्यूड बढ़ने से उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। और ये भी आपने देखा था कि कब एंगल चेंज होता है, उससे सी की डायरेक्शन किस तरह से पहले आउटवर्ड थी बाद में इनवर्ड होगी। अभी साइन थीटा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि यहाँ पर हम लोग साइन थीटा क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग अभी साइन थीटा की एग्जाम्पल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि साइन थीटा क्यों इस्तेमाल करते हैं उसकी एग्जाम्पल हम लोग टॉर्क से पढ़ेंगे, और टॉर्क पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग एक पूरा लेक्चर पढ़ेंगे, तो साइन थीटा को समझने के लिए एक पूरा लेक्चर इसके बाद आएगा, तो वहां पर हम लोग इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे।
अब हम लोग इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट की कुछ करेक्टरिस्टिक्स, कुछ मैथमेटिकल रिलेशन पढ़े थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ मैथमेटिकल रिजल्ट्स। स्केलर प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि स्केलर प्रोडक्ट इज कमुटेटिव। यहां पर पहली करेक्टरिस्टिक है वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कमुटेटिव। इसका क्या मतलब है? यहां पर मैंने रिलेशन लिखा है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, ये हम सब सीख चुके हैं। इसको मैंने इक्वेशन वन कह दिया है, यहां इसकी फिगर भी बना दी है। वैक्टर ए, वैक्टर बी और ए क्रॉस बी राइट हैंड रूल से ये वैक्टर सी। ये इसके बाद बी क्रॉस ए किसके इक्वल होगा? माइनस सी। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर हम लोग इस इक्वेशन को दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस बी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी। अभी आप लोग यहां पर देखें, यही फिगर दोबारा बनाई है, ए और बी एज इट इज हैं। अब हम लोग बी क्रॉस ए अगर करें, बी क्रॉस ए करें, तो बी क्रॉस ए करते हैं राइट हैंड रूल से, तो ये आपके पास नीचे की तरफ डायरेक्शन ये बन गई बी क्रॉस ए। तो इस बी क्रॉस ए को मैंने, इसको सी बोला था, तो इस बी क्रॉस ए को मैंने माइनस सी बोला है। यहां पर आप देख सकते हैं कि बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस सी, उसके बाद ये माइनस मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये रिजल्ट। अभी इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में आप देखें, ये भी सी बन चुका है, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया इसलिए था कि यहां पर सी है, यहां पर भी सी है, एक जैसा हो जाए। तो अगर इक्वेशन नंबर वन में भी राइट साइड पर सी है, इसमें भी सी है, तो इन इक्वेशंस की राइट साइड्स इक्वल हैं, लिहाजा लेफ्ट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। अभी इस रिलेशन का मतलब क्या है? इस रिलेशन का मतलब समझने के लिए मैंने इस वेक्टर को यहां बना लिया है, ए क्रॉस बी यहां, और ये जो वेक्टर है बी क्रॉस ए, इसको मैंने यहां बना लिया। अभी आप लोग देखें, यहां पर ये दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट हैं, मैग्नीट्यूड्स में इक्वल और डायरेक्शन में ऑपोजिट। अगर हम लोग इस वेक्टर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में पढ़ा था किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो वो जो नया वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन इसके बिल्कुल रिवर्स होती है। तो आपके पास ये अगर बी क्रॉस ए है तो ये वेक्टर आपके पास क्या होगा? माइनस बी क्रॉस ए। आप देख सकते हैं कि ये वेक्टर और ये वेक्टर, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करने से ये बना है। तो अभी आप लोग यहां पर गौर करें तो ये वेक्टर और ये वेक्टर अब डायरेक्शन में भी सेम है और मैग्नीट्यूड में भी सेम है, लिहाजा हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल हैं, इक्वल वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। तो यहां पर आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया कि इस रिजल्ट का मतलब क्या है, कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो यहां पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए की, मतलब माइनस लगा लें तो इक्वल है, यहां हम लोगों ने इसको देख भी लिया है, लेकिन अगर माइनस ना लगाएं तो ये और ये इक्वल नहीं है। तो लिहाजा हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कमुटेटिव। डॉट प्रोडक्ट में क्या था? ए डॉट बी इक्वल था बी डॉट ए में, यहां पर क्या है? ए क्रॉस बी इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए की। सेकंड करेक्टरिस्टिक, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। यहां पर आप देखें ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन परपेंडिकुलर वेक्टर्स एंगल 90 डिग्री, n कैप साइन 90 क्या होगा 1, n कैप ये ए बी एन कैप। तो इसका मतलब ये है कि इस दफा क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है ए बी, इसका आंसर मैक्सिमम है। अगर हम लोग वो एग्जांपल की बात करें तो हम लोगों ने ये कहा था वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड फॉर बी की 3, तो फॉर 3 12, वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था 10.4 आंसर इसलिए था कि थीटा 60 था, यहां पर थीटा 90 है तो आंसर 12 है। अब 4 और 3 का 12 से ज्यादा आंसर नहीं आ सकता। तो ये बात हम लोग याद रखेंगे कि जब वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर होंगे, इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा, तो इनको क्रॉस करने से जो वेक्टर सी आया है, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगी। ये यहां पर मैं ये भी बताता चलूं कि डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो वहां पर कॉस था, और कॉस 90 जीरो होता है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आएगी जो वेक्टर इन दोनों के क्रॉस करने से आएगा। इसके अलावा अगर हम लोग यूनिट वेक्टर्स की बात करें, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, तो आई जे के हम लोगों ने पढ़ा था एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप होता है, और जी एक्सिस के लॉन्ग के कैप होता है। तो आई क्रॉस जे करें, यही रिलेशन यूज करें, अगर फर्स्ट वैक्टर की मैग्नीच्यूड 1, सेकेंड वैक्टर की मैग्नीच्यूड 1, ए क्रॉस बी ए बी मैग्नीच्यूड्स,
इन दोनों में एंगल 90 साइन 90 और साथ लिखेंगे एन कैप। तो यहां पर आपके पास साइन 90 भी 1 आएगा तो ये आ जाएगा आपके पास सिर्फ एन कैप। अभी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एन कैप क्या है यहां पर। तो अगर हम लोग इस ज्योमेट्री के मुताबिक बात करें तो एक्स एक्सिस आई कैप, वाई एक्सिस जे कैप और जी एक्सिस के कैप, और ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां हम लोग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे आई और क्रॉस करना है जे के साथ, तो राइट हैंड रूल के मुताबिक ये एंगल कम है तो आई क्रॉस जे करेंगे तो आपका अंगूठा जो है वो जी की तरफ है। इसका मतलब है कि यहां पर एन कैप की जगह आप लिख सकते हैं के कैप। तो यहां हम लोग कहेंगे कि आई क्रॉस जे का आंसर के कैप है, जबकि डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि आई डॉट जे का आंसर जीरो था। इसी तरह से हम लोग जे क्रॉस के, यहां पर ये जे ये के, राइट हैंड रूल, तो जे क्रॉस के करेंगे तो आपके पास ये अंगूठा एक्स की तरफ आ रहा है, तो यहां पर ये जे क्रॉस के होगा आई कैप। इसी तरह से के क्रॉस आई, जी एक्सिस के और ये आई, यहां पर के क्रॉस आई राइट हैंड के की तरफ, फर्स्ट वेक्टर के है के, और आई की तरफ इसको कर्ल करेंगे तो अब आपका अंगूठा जो है वो वाई एक्सिस की तरफ है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे जे कैप। इसी तरह से अगर हम लोग ये ऑर्डर चेंज कर दें, यहां आई क्रॉस जे था तो मैं यहां पर कर रहा हूं जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई, आई क्रॉस जे तो इधर आ रहा था, अब जे क्रॉस आई मतलब यहां से ऐसे करेंगे ये जे क्रॉस आई, तो अब आपके पास डायरेक्शन किस तरफ आएगी डाउनवर्ड, तो यहां हम लोग डाउनवर्ड, यहां पर पॉजिटिव ये जी था तो डाउनवर्ड क्या होगा माइनस के। इसी तरह से के क्रॉस जे, तो ये के ये जे, तो के क्रॉस जे आपके पास ये स्मॉलर एंगल ये बन रहा है के क्रॉस जे तो इन टू आ रहा है, यहां पर ये एक्स था तो यहां पर हम लोग लिखेंगे माइनस आई कैप। इसी तरह से आई क्रॉस के देखें तो ये आई ये के, तो आई क्रॉस के करेंगे आई क्रॉस के तो इस तरफ आएगा जो कि वाई के ऑपोजिट है, तो यहां हम लोग लिखेंगे माइनस जे। इसमें एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि जब आई क्रॉस जे करोगे तो तीसरा यूनिट वेक्टर आना है जो कि के है। इसी तरह से जे क्रॉस के करोगे तो आई रह गया था वो आएगा, के क्रॉस आई करोगे जे रह गया था वो आएगा, लेकिन ऑर्डर बदलने से आंसर चेंज हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था कि ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के, तो यहां पर यह चीज यूनिट वेक्टर्स के लिए भी वैलिड है। इन रिलेशंस को याद करने के लिए हर दफा हम लोग ये उंगलियां नहीं घुमाएंगे, आप लोग एग्जाम में बैठे हों आपको भूल जाए और वहीं पर आप लोग ये पेंसिल्स के साथ ऐसे कर रहे हो, इतना टाइम नहीं होता, तो इनको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक और तरीका बताता हूं। यहां पर मैंने एक सर्कल बनाया है, इसके साथ मैंने ये एंटी क्लॉक वाइज ये एरो साइन दिए हैं, आई कैप लिख लिया, जे कैप लिख दिया, के कैप लिख दिया एंटी क्लॉक वाइज। अभी अगर हम लोगों ने क्रॉस करना होगा तो अगर आप एरो की डायरेक्शन में चलेंगे जैसे कि आई क्रॉस जे करेंगे तो थर्ड आ जाएगा के, आई क्रॉस जे के, अगर आप जे क्रॉस के करेंगे तो आपके पास आई आ जाएगा, इसी तरह से के क्रॉस आई करेंगे तो जे आ जाएगा। मतलब यह है कि इस साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई और के क्रॉस आई जे। लेकिन अगर आप इससे इनवर्स चलोगे, फॉर एग्जाम्पल इस रिलेशन में आप देखें यहां पर अगर आप लोग जे क्रॉस आई करोगे, मतलब इस एरो से आप रिवर्स आ रहे हो, तो जे क्रॉस आई करोगे तो के आंसर आएगा माइनस के साथ, क्योंकि आप एरो के ऑपोजिट आ रहे हो। इसी तरह से अगर हम लोग इस रिलेशन को देखें तो के क्रॉस जे करें तो आप एरो से रिवर्स आ रहे हो, तो के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई आएगा। इसी तरह से अगर हम लोग इसमें देखें आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के इधर आएंगे तो आपके पास ये माइनस जे कैप आएगा। तो इस तरह से इस सर्कल से हम लोग ये रिलेशन जल्दी लिख सकते हैं, याद करना ईजी हो जाता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज नल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं जिनके दरमियान एंगल जीरो डिग्री हो, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, ये पैरेलल कब होंगे जब इस तरह से हो, जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन जीरो साथ एन कैप, साइन जीरो डिग्री का आंसर क्या होता है जीरो, तो यहां पर आप इसकी जगह जीरो लगाएंगे ए बी मल्टीप्लाइड बाय जीरो 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 मल्टीप्लाइड बाय एन कैप, यहां आंसर क्या आएगा। अभी आप लोग ये देखें हमने ये पढ़ा था कि जब किसी स्केलर को, जीरो एक स्केलर नंबर है, जब जीरो को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा। हमने ये पढ़ा था कि जब भी किसी स्केलर को वैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट वैक्टर आता है, तो यहां पर जो वैक्टर आएगा इसको हम लोग नल वैक्टर बोलेंगे,
इसको मैंने ओ से लिखा है, उसके ऊपर वेक्टर का साइन। नल वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो। यहां पर इसको ओ से ऊपर वेक्टर का साइन क्यों लिख देते हैं? बस ये पता चल जाए कि ये आंसर किसी ना किसी वेक्टर्स से आया हुआ है, मतलब यहां पर जो रिजल्ट आया है वो उधर किसी ना किसी वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन से आया है। इसी तरह से हमने बोला है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स कौन से होंगे? जैसे ये वेक्टर ए और बी है, ये इस तरह से एंटी पैरेलल होंगे। जब ये दोनों एंटी पैरेलल होंगे, इनके दरमियान एंगल 180 डिग्री, ए बी साइन 180, साइन 180 भी जीरो होता है, यहां पर जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाय एन कैप, यहां भी क्या आएगा? ओ वेक्टर साइन, नल वेक्टर। इसका मतलब ये है कि जब ये वेक्टर्स पैरेलल थे तो भी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आएगा, मतलब नल वेक्टर आएगा, और जब ये एंटी पैरेलल होंगे तो भी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आएगा, नल वेक्टर आएगा। अब लोग यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो अभी हम लोग पैरेलल केस में आई क्रॉस आई करेंगे, मतलब आई का क्रॉस आई के साथ। तो ये आपके पास आएगा फर्स्ट की मैग्नीट्यूड, सेकंड की मैग्नीट्यूड, साइन जीरो, एन कैप। तो यहां जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? नल वेक्टर। जीरो नहीं लिखना, नल वेक्टर लिखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए वेक्टर। इसी तरह से जे क्रॉस जे क्या लिखेंगे? नल वेक्टर। के क्रॉस के क्या लिखेंगे? नल वेक्टर। तो अगर हम लोग इस करेक्टरिस्टिक की डॉट प्रोडक्ट के साथ इसका कंपैरिजन करें, तो डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों, पैरेलल केस में उनका आंसर मैक्सिमम पॉजिटिव आया था, एंटी पैरेलल में मैक्सिमम नेगेटिव आया था। यहां पर पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों केसेस में नल वेक्टर आया है। वहां पर जब हमने यूनिट वेक्टर्स पढ़े थे तो आई डॉट आई का आंसर 1 आया था, जे डॉट जे भी 1, के डॉट के भी। यहां पर ये क्रॉस प्रोडक्ट रिजल्ट क्या दे रहे हैं? नल वेक्टर। फोर्थ करेक्टरिस्टिक, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इज नल वेक्टर। ए क्रॉस ए, फर्स्ट की मैग्नीट्यूड, सेकंड की मैग्नीट्यूड, साइन जीरो डिग्री, साइन जीरो जीरो, तो ए स्केयर मल्टीप्लाइड बाय जीरो, नल वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, वहां कॉस थीटा था, यहां साइन थीटा है। फिफ्थ करेक्टरिस्टिक्स, वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ये इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, वेक्टर ए के, वेक्टर बी के। अभी हम लोगों ने इनको क्रॉस प्रोडक्ट किनका लेना है? ए क्रॉस बी करना है। तो ए क्रॉस बी वेक्टर ए लिखा, क्रॉस और वेक्टर बी लिखा। अभी हम लोग जैसे डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई किया था, यहां पर इस टर्म को पहले इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई। इसी तरह से ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, इस तरह से ये सारी टर्म्स हम लोग लिखेंगे। तो यहां हम लोग ये देखते हैं, अब ये इसको यूज करेंगे, और आई क्रॉस आई नल वेक्टर होता है ये हम लोग जानते हैं। तो अगर हम यहां पर देखें तो आई क्रॉस आई इसका आंसर आएगा नल वेक्टर, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे इसका आंसर आएगा के कैप, और आई क्रॉस के, आई क्रॉस के इसका आंसर आएगा माइनस जे, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई माइनस के, जे क्रॉस जे नल वेक्टर, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के इसी ऑर्डर में है आई कैप, यहां पर के क्रॉस आई, के क्रॉस आई इसी ऑर्डर में है जे कैप, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे रिवर्स है माइनस आई कैप, और के क्रॉस के नल वेक्टर। तो यहां हम लोग देखें तो तीन टर्म्स नल वेक्टर हो रही हैं, मतलब ये आंसर तो आपके पास नल वेक्टर आ जाएगा, बाकी टोटल बचेंगी 6 टर्म्स। नल वेक्टर ए एक्स बी वाई के कैप, ये माइनस था, प्लस माइनस माइनस, ए एक्स बी जी जे कैप, यहां माइनस के कैप, नल वेक्टर, आई कैप, जे कैप, प्लस माइनस माइनस, और ये नल वेक्टर। तो यहां आप लोग देखें कि 9 टर्म्स में से 3 नल वेक्टर हो रही हैं। यहां पर आप लोगों ने एक और बात याद रखनी है कि इसको या तो ना लिखें, मतलब नल वेक्टर है, या इसको जीरो केला नहीं लिखना, ये ना हो कि ये वेक्टर का साइन आप ना लिखें, क्योंकि हम लोग इसकी एक्सरसाइज में ये पढ़ेंगे कि एक वेक्टर को और स्केलर को ऐड नहीं कर सकते। जीरो एक स्केलर है, वो अगर यहां जीरो लिखा होता तो ये वेक्टर है, और वेक्टर और स्केलर ऐड नहीं होते, वेक्टर्स वेक्टर्स में ऐड होते हैं। बाकी हम लोग इसको एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे।
अभी आप लोग इस पे गौर करें तो इसमें के कैप वाली कितनी टर्म्स हैं, एक ये के कैप है, एक ये के कैप, इसी तरह से जे कैप वाली एक ये जे कैप है, एक ये जे कैप, और आई कैप वाली एक ये आई कैप है और एक ये आई कैप। दो टर्म्स आई कैप वाली हैं, दो जे कैप वाली और दो के कैप वाली। अगर इनमें से हम लोग ये कॉमन ले लें तो ये दो टर्म्स के साथ आई कैप था, मैंने इनमें से आई कैप कॉमन ले लिया, तो बाकी आपके पास आ जाएगा ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई। ये इसमें जे कैप है, इसमें जे कैप है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये आपके पास जे कैप बाहर लिख लिया और ये आ जाएगा ए एक्स बी जी, और ये माइनस क्योंकि आप कॉमन ले चुके हैं तो ये प्लस माइनस लिखेंगे, ये आपके पास जे कैप, और के कैप वाली एक ये है, एक ये है, इसमें से प्लस और ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स और साथ के कैप लिख दिया। तो जब हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट किया था तो हमारे पास फाइनल आंसर आया था ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी, मतलब ये है वहां पर साथ आई जे के कैप नहीं आए थे, क्योंकि हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर आता है, वहां पर फाइनल आंसर में आई कैप जे कैप के कैप आने भी नहीं चाहिए थे क्योंकि स्केलर में वो उनका कोई काम नहीं है। लेकिन यहां पर हमने कहा था कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसका आंसर वेक्टर आता है, तो जब आपने दो वेक्टर्स को कंपोनेंट्स की फॉर्म में मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास जो फाइनल आंसर आया है, आप देखें इसमें आई कैप जे कैप और के कैप होना इस चीज की इंडिकेशन है कि आपका ये जो फाइनल आंसर है ये कोई वेक्टर है। ये इतनी लंबी कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ समझने के लिए की है, जिस तरह से डॉट प्रोडक्ट में किया था उसी तरह से मैंने आपके सामने ये सारा प्रूव कर दिया है। लेकिन इसको लिखने का एक शॉर्टकट तरीका होता है, पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग ये सारा काम करें, तो इसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी को हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले फर्स्ट रो में आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे, सेकंड रो में हम लोग यहाँ पर जो पहला वेक्टर है इसके कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड्स लिखेंगे, जैसे पहला वेक्टर ए है तो इसका कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड ए एक्स ए वाई ए जी, ये आ गई, और थर्ड रो में हम लोग सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड लिखेंगे। अभी हम लोग इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना सीखते हैं। सेकंड स्टेप में हम लोग डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने में क्या करते हैं कि यहाँ देखिए मैंने ये आई कैप लिख लिया है, अभी जहाँ पर आई कैप है ये आप लोगों ने रो छोड़ देनी है और ये कॉलम छोड़ देना, तो बाकी आपके पास ये जो चार बचे हैं वो मैंने लिख लिए हैं ए वाई ए जी बी वाई बी जी, फिर नेगेटिव का साइन, उसके बाद जे कैप लिखा, अभी आप लोगों ने ये कॉलम और ये रो छोड़नी है, बाकी आपके पास ये चार बचेंगे, ये चार मैंने इधर लिख दिए, फिर आप लोगों ने प्लस का साइन देना है और के कैप लिख दिया, अभी आप लोगों ने ये कॉलम छोड़ देना है ये वाला, ये अभी ये चारों उठा के आप लोगों ने इधर लिख दिए। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम लोग ये आई कैप यहां लिख रहे हैं माइनस का साइन, ये जे कैप यहां लिख रहे हैं प्लस का साइन, फिर ये के कैप यहां लिख रहे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आएगा ए वाई बी जी, फिर माइनस का साइन, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ए जी बी वाई, फिर इसी तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ए एक्स बी जी माइनस का साइन इसको इससे ए जी बी एक्स, इसी तरह से इसको इससे ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट लिख के इसको मैथमेटिकली एक्सपेंड किया, उसके बाद हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आ गया। तो अगर आप लोग इस रिजल्ट पे गौर करें तो बिल्कुल ये यही रिजल्ट है जो इससे पहले हम लोगों ने इतनी लंबी कैलकुलेशन से निकाला था। तो शॉर्टली हम लोग ए क्रॉस बी को डिटर्मिनेंट तरीके से जल्दी कर सकते हैं, जबकि इस तरीके से ये काफ़ी लेंथी हो जाता है, वो तरीका एक दफ़ा करना ज़रूरी था, मैंने आप लोगों को बता दिया है, लेकिन अब हम लोग इस तरीके को फॉलो किया करेंगे। अभी लास्ट करैक्टरिस्टिक, जबकि डॉट प्रोडक्ट में हमने सिर्फ पांच करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, यहाँ पर एक सिक्स करैक्टरिस्टिक्स भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ लें कि जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स अभी तक हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ी है, सबसे इंपॉर्टेंट और समझना मुश्किल ये वाली करैक्टरिस्टिक है, और अक्सर स्टूडेंट्स को ये बिल्कुल समझ नहीं आती। आप लोगों ने ये मेरी बात ध्यान से समझनी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed with A and B as two adjacent sides. इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए rectangle क्या होती है, length और width
हर एंगल ये कितना होता है 90 डिग्री। इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। फर्ज कर लें कि इसकी लेंथ जो है वो 4 है और इसकी विड्थ जो है वो 3 है, तो आपके पास इसका एरिया क्या होगा 12। अभी पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में फर्क क्या होता है, अगर हम लोग इसी रेक्टेंगल को थोड़ा टिल्ट कर दें, टेढ़ा कर दें, सपोज ये, तो ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये एंगल अब 90 नहीं रहे। तो यहां आप सपोज कर लें कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके दरमियान एंगल थीटा है, इसी लेंथ की मैंने एक डॉटेड लाइन लगाई और इसी लेंथ की एक डॉटेड लाइन लगाई और मैंने इसको एक बना दिया है पैरेललोग्राम। अब यहां पर लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का था लेंथ इनटू विड्थ, लेकिन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो इस पैरेललोग्राम की लेंथ वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड होगी और इसकी हाइट क्या है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये है बी साइन थीटा। बी साइन थीटा क्या है, वेक्टर बी का वो कंपोनेंट जो वेक्टर ए पे परपेंडिकुलर है और यही बी साइन थीटा ही इस पैरेललोग्राम की हाइट है। हाइट और विड्थ डिफरेंट होती हैं। यहां पर रेक्टेंगल में अगर आप देखें तो ये लेंथ 4 थी, जबकि यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये लेंथ जो है वो इस लेंथ जितनी नहीं है, बल्कि ये वाली लेंथ कम लग रही है इस लेंथ से। तो यहां पर हम लोग लेंथ की जगह पर क्या लिखेंगे, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, और हाइट की जगह पर क्या लिखेंगे, बी साइन थीटा। तो अगर हम लोग और करें तो ए बी साइन थीटा क्या था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड होती है, जैसे कि वेक्टर सी की मैग्नीट्यूड। तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम का ये एरिया, ये वाला, ये इसका एरिया, इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड विद ए एंड बी। ए और बी दो वेक्टर्स हैं जो उसकी दो एडजेसेंट साइड, तो ये एरिया जो भी होगा ये समझ लें कि क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड बताएगा। अभी आप लोगों को याद होगा कि हमने ये सपोज किया था कि वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड 4 है, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड 3 है। अगर हम लोग उसके साथ देखें तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा 10.4, क्योंकि हम लोगों ने ए बी साइन थीटा 4, 3 और थीटा 60 रख के मैग्नीट्यूड निकाली थी, तो 10.4 आई थी। ये जो 10.4 है ये इस पैरेललोग्राम का एरिया है। यहां पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहां से ऐसे एक पैरेललोग्राम बनी हुई है और ये जो वेक्टर सी है, इस वेक्टर सी की ए क्रॉस बी या सी वेक्टर, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो ये एरिया होगा। अभी आप लोग जरा सोच के ये बताएं कि अगर वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड बढ़े तो वो पैरेललोग्राम जो है वो बड़ी हो जाएगी, एरिया बढ़ जाएगा, मतलब सी की मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर बी बढ़े तो वो भी पैरेललोग्राम बड़ी हो जाएगी, ये एरिया बढ़ जाएगा, मतलब वेक्टर सी की मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर ये एंगल चेंज हो, ये वाला, तो एंगल चेंज होने से भी ये आंसर अब 10.4 नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा। जैसे एंगल 90 डिग्री होगा तो आंसर 4 × 3 = 12 आना था, ऐसा ये एक रेक्ट एंगल बन जानी थी। इसी तरह से जब ऐसे होगा तो ये एंगल डिफरेंट होने से उस पैरेललोग्राम का एरिया बदलेगा, और अगर उसका एरिया बदलेगा तो वैक्टर सी की मैग्नीट्यूड उसका एरिया ही है। तो ये चीज़ जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आप लोगों को चंद सेकेंड की एक वीडियो दिखाता हूँ। हमारी ये सारी बातें जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की हैं, आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो में आपने देखा कि जब वेक्टर ए बी इनकी लेंथ या ये एंगल बदलता है तो ए क्रॉस बी की लेंथ चेंज होती है, या आप देख सकते थे कि वहाँ पर जो पैरेललोग्राम बनती है उसका एरिया अफेक्ट हो रहा होता है। तो अभी तक हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स को मैथमेटिकली समझ चुके हैं। अभी जब हम लोग इनको अप्लाई करेंगे किसी फिजिकल प्रॉब्लम पे, कोई जैसे डॉट प्रोडक्ट में वर्क पे अप्लाई किया था तो कुछ समझ आई थी, इसी तरह से हम लोग टॉर पे अप्लाई करेंगे तो कुछ समझ आएगी कि इन चीज़ों का मतलब क्या है। अभी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो
बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप समझ लें कि उस लेक्चर में मैं आप लोगों को स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो स्टूडेंट्स, बहुत रेयर होता है कि स्टूडेंट्स उनको सोचें। फॉर एग्जांपल अगर 1000 स्टूडेंट है तो उसमें से सिर्फ एक या दो स्टूडेंट होंगे जो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को उस तरह से सोचते हैं जिस तरह से नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो जब भी अपलोड हो आप तक वो अपडेट पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।